हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रोहित गुप्ता। आज मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, स्पेशली जो होम्योपैथिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए है। और मैं इसमें आपको वो 20-20 मेडिसिन का फॉर्मूला बताऊंगा जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होती है मेडिसिन हमारे प्रैक्टिस में, और एलेंस की नोट से ये यूज होता है सबसे ज़्यादा, जिससे लगभग 90 से 95% केसेज आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो ये 20-20 फार्मूला क्या है ये जानने के लिए चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि ऐसे और इन्फॉर्मेटिव आने वाले वीडियोज आपको मिल सकें, और वीडियो को लाइक करिए। तो आगे बढ़ते हैं हम इसमें कि क्या है 20-20 फार्मूला। देखिए, 20-20 का मतलब है यहाँ पे 20 एक्यूट केसेज की मेडिसिन और 20 क्रॉनिक केसेज की मेडिसिन, ठीक है। तो इसमें आपका जो 20 एक्यूट केसेज हैं इनमें कौन कौन सी मेडिसिन कवर होती हैं, किस तरह के केसेस में। देखिए, बहुत ही कॉमन है, फीवर में 4 मेडिसिन कवर होती हैं, वोमिटिंग में 3 मेडिसिन कवर होती है, डायरिया में 3 मेडिसिन कवर होती हैं, कफ में 5 मेडिसिन कॉमनली कवर होती हैं जो ड्राई और मॉइस्ट कफ के अकॉर्डिंग होता है, फिर उसके बाद कोल्ड में 3 मेडिसिन और पेन की कंडीशन में 2 मेडिसिन। तो टोटल हमारा हो गया ये 20 मेडिसिन का एक्यूट का फॉर्मूला। इसी तरीके से 20 क्रॉनिक मेडिसिन के लिए 7 नोसोडाप के यूज होते हैं, 2 सारकोड यूज होते हैं, 1 इम्पोंड्रिबिलिया यूज होता है और 10 पॉलीक्लेट्स मेडिसिन। सबसे ज़्यादा, सबसे कॉमन, ये मैंने अपने पूरे जितना अभी तक का एक्सपीरियंस है और जितने मेरे सक्सेसफुल रिजल्ट हुए हैं उन सब का निचोड़ बता रहा हूँ कि ये 20-20 फार्मूला ही सबसे कॉमन और मोर देन 90-95% केसेज में लगता है, अगर आप सही से एक्यूरेट होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहे हैं सही मेथोडोलॉजी से। और ये सारे मेडिसिन एलेंस के नोट और उसके रिपर्टरी में मेंशन्ड हैं। और ये सारी जानकारी, ये सारी टेक्निक, ये आप स्वयं यहाँ से सीख सकते हैं, जो रिवाइज्ड और अपग्रेडेड एडिशन ऑफ एलेंस के नोट की नोट्स एडवांस एंड कम्प्लीट मटेरियल मेडिका, और इसकी रिपर्टरी की नोट्स मॉडर्न एंड क्लासिक रिपर्टरी जो अमेजोन पे अवेलेबल है। और अगर आप इसे हमसे सीखना चाहते हैं तो इसके लिए हमने PGI होम कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आप ये सारी टेक्निक सीखेंगे और वो भी सीखेंगे जो बाकी जगह नहीं सिखाया जाता है, जो रियल ओरिजिनल प्रैक्टिस में लगता है, और बहुत कम समय में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे होम्योपैथिक प्रैक्टिस के लिए। ये उतना ही आसान है सीखना जितना आसान है अंग्रेजी दवाओं को इस्तेमाल करना सीखना, लेकिन सही गाइडेंस के अंदर सीखेंगे तभी ये पॉसिबल है। इसमें इनरोल होने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें।